सीवान के सदर अस्पताल के डॉक्टरों का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। दरअसल मामला यह है सीवान जिले के हसनपुरा का, जहां पर गेना भगत की पत्नी रामपति देवी को अचानक हार्ट अटैक आया और उसके बेटे आनंद कुशवाहा ने अपनी मां रामपति देवी को इलाज कराने के लिए सीवान के सदर अस्पताल में लेकर पहुँचे, जहाँ पर डॉक्टरों ने रामपति देवी को मृत घोषित कर दिया। और जब रामपति देवी के बेटे आनंद कुशवाहा अपनी मां की शव को लेकर अपने गांव पहुंचा, तो अचानक उसकी मां हिलने डुलने लगी। तो आनंद कुशवाहा को यह एहसास हुआ कि मेरी मां मरी नहीं बल्कि जीवित है, और फिर वो आनंद फानन में हसनपुरा के डॉक्टर भोला के यहाँ लेकर गया, जहाँ पर वो ईसीजी कराया और उसे पता चला कि उसकी माँ अभी जीवित है। लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी ही देर के बाद से फिर एक बार हसनपुरा के जो डॉक्टर भोला थे उनके द्वारा उनकी स्थिति नाजुक बताते हुए लगभग 4 से 5 घंटे के बाद फिर उसे रेफर कर दिया गया सीवान के सदर अस्पताल में। और फिर रात को करीब 10-11 के बीच में जब वो सीवान के सदर अस्पताल में पहुंचा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सीवान सदर अस्पताल के डॉक्टर की घोर लापरवाही है, जिसकी ड्यूटी उस समय थी जब रामपति देवी को हार्ट अटैक से सीवान के सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। और उसके बेटे आनंद कुशवाहा के अनुसार वो दोपहर के करीब 4 बजे लाया था और उस समय उसकी मां जीवित थी, मगर सीवान सदर अस्पताल के जो डॉक्टर उस समय ड्यूटी पर तैनात थे उनके द्वारा उस जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया गया था। यह कहना है रामपति देवी के बेटे का। रामपति देवी के बेटे का यह भी कहना है कि उसके बाद उन्हें हम अपने गांव लेकर चले गए और वहां पर मां हमारी जीवित थी, यानी कि जब डॉक्टर ने मृत घोषित करार कर दिया सीवान के सदर अस्पताल में, उसके बाद गांव ले जाने के बाद मेरी मां जीवित थी। तो कहीं ना कहीं यह डॉक्टर की भारी और घोर लापरवाही मानी जाएगी, जिसके कारण रामपति देवी की जान बच सकती थी, लेकिन जो 4-5 घंटे का जो समय निकल गया और जिस तरह से डॉक्टरों ने जीवित रामपति देवी को मृत घोषित कर दिया और उसके बाद हसनपुरा के डॉक्टर ने यह कह दिया कि अभी आपकी मां जीवित है, इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीवान के सदर अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा किस तरह का इलाज किया जा रहा है। अब ऐसे में इस घटना के बाद सीवान के सदर अस्पताल में जेडीयू के विधायक हेम नारायण साहब भी पहुंच गए और इस मामले की गंभीरता से जानना चाहा, और उसके बाद जेडीयू विधायक हेम नारायण शाह ने भी इस मामले को सुनकर वो भी कुछ देर के लिए सन्न रह गए। उन्हें भी यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार जो सदर अस्पताल में महिला को मृत घोषित करार कर दिया गया वो जीवित कैसे हो सकती है। लेकिन उनके बेटे के अनुसार यह सच्चाई है कि उनकी मां जीवित थी सदर अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित करने के बाद भी। वही इस पूरे मामले पर जेडीयू विधायक हेम नारायण शाह ने भी लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या इसी तरह सीवान का सदर अस्पताल चलता रहेगा? क्या जीवित लोगों को मृत घोषित डॉक्टर करते रहेंगे? ऐसे में यह स्वास्थ्य मंत्री का भी जिला है और उन्हें भी चाहिए कि इस मामले पर गंभीरता से जांच करें और जो लापरवाह डॉक्टर हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि फिर से इस तरह की घटना न दोहराई जा सके। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। साथ क्या घटना घटी है? हम 4 बजे यहाँ पे आए हैं जी, तो अपने मम्मी को लेकर आए तो डॉक्टर साहब देखे तो बोले कि मृत्यु हो गया है। अच्छा, हम लोग लेकर घर पर चले गए। 7:30 बजे हम लोग सुधीर सिंह IDIG जी वो गोर लगाने गए तो देखे कि गाज फेंक रहा है, पल्स भी चेक हुआ, पल्स चल रहा है। फिर हम लोग डॉक्टर भोला लगा हसनपुरा लेके आए तो चेक हुआ तो ECG हुआ तो हार्ट चल रहा है। हम फिर हम लोग दोबारा यहाँ पर आए। अच्छा, तो देखिए डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं अभी। और डॉक्टर जब आपकी माँ को देख रहे तो उस समय क्या बोले? बोले कि मृत्यु हो गया है। मौत हो गई है? हाँ। और अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी हम हसनपुरा चेक करा के ECG कराया तो जिंदा है अभी।
माँ जिंदा है? माँ जिंदा है। तो डॉक्टर की लापरवाही मानी जाएगी? लापरवाही मानी जाएगी। कौन डॉक्टर थे उस समय यहाँ पे? उस समय हम तो चिन्ह नहीं, इस काउंटर पर बैठे हुए थे। कितने बजे की ये बात है? 4:15 की बात है। की अगर कोई बात है तो वो डॉक्टर अच्छा नहीं किया है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए डॉक्टर पे, जो डॉक्टर मृत घोषित कर दिए थे। लेकिन ये बता रहे हैं कि पर्चा वर्चा नहीं कटा है, तो अब उसमें क्या मामला है? हम पहले से कुछ जब नहीं जानते हो तो क्या बयान देंगे? सरकार आपकी है, आपकी सरकार के आपके डॉक्टर हैं, यही तो देख रहे हैं कि अभी तुरंत इलाज करवा रहे हैं। जब हम ये जाने की ऐसा ही इससे बात है तो तुरंत डॉक्टर से बोले कि इलाज कीजिए। अगर गलती होगी तो? अरे तो गलती होगी तो अब डॉक्टर को कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगा। डॉक्टर